अब बाप से मोहब्बत करने वालों को हमने देख लिया, माँ से मोहब्बत करने वाले हैं, माँ से मोहब्बत करते हैं। अरे बोलिए ना भाई, माँ से मोहब्बत करते हैं, माँ को देखना, माँ को देखना, माँ को देखना। अरे जोर से बोल, माँ को देखना, बाप को देखना, उस्ताद को देखना, पीर को देखना, फिर से बोलो पीर को देखना। आप चुप हो गया कि गड़बड़ ना हो जाए, मैंने दोबारा कहीं गड़बड़ाए नहीं, अभी ठीक है चल रहे हैं। बाप को देखना, माँ को देखना, उस्ताद को देखना, पीर को देखना, बीवी को देखना। जोर से बोलिए, सवाब है। हाँ देखिए कर रहे हैं, सवाब तो है, बीवी को देखना सवाब है, लेकिन अपन बीवी को देखना सवाब है। इसी तरह बोले हजरत, बोला ये बताइए कि बीवी ने कहा अपने शोहर से, नौजवान देखते नहीं, आज ये नौजवान लोग, माँ जब तक शादी नहीं हुई है तब तक माँ से काफी मोहब्बत है, और जब शादी हुई उसके बाद 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद में कैसी वो है, ऊ फूंक मारती है, सब मौलवी मौलाना फूक खत्म। देखते नहीं, माँ 9 महीने तक अपने पेट में रखी, 2 साल 3 साल तक गोदी में रखी, इतना फूक फाक की, लेकिन जब वो लड़का 20 से 25 साल हुआ, शादी हो गई, बीवी आई, तो 6 महीना ऊ एक फूक मारती है, सब फूक भस्म हो जाता है। माँ को छोड़ दिया, माँ को खाना बंद, बाप को पानी बंद, बड़ी मुश्किल से। और जब वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, चारपाई पे लेट गया, पांव हाथ काम करना बंद कर दिया, मुंह भी चलना बंद हो गया, तब देखिए ढकोसला, सब बेटा लोग, बहू लोग और सब दामाद लोग पहुंचेगा, और क्या लेके रसगुल्ला, ले बापा, बापा अजीब बोली है जरा, ले बापा, चिन्हो हम महिला की, चिन्हो, अजीब अजीब, हाँ चिन्हो, ले ले बापा, ले ले रसगुल्ला के खो, क्या कहेगा बाप करता, अरे जब खाने के लायक था तो पकौड़ियों नहीं दिया, और जब मुंह बंद हो गया तो ले रसगुल्ला, बेचारा तरस के मर जाता है। हकीकत में वो खा के नहीं मरता है, वो पछता के मर जाता है कि यही अगर 2 साल पहले दिया होता तो वो करता, ऐसे वक्त में देता है। सोचो माँ बाप की इज्जत करो, जरा बीवी कहे अपने शौहर से कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, बोला बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बोला कितनी मोहब्बत, बोला अभी दूसरे काम में है, हिसाब किताब में है, ख्याल कर, है दुकानदारी हिसाब किताब, बोला बहुत मोहब्बत करते, बोला नहीं आज हम मानेंगे नहीं, बताइए कितनी मोहब्बत करते। शौहर झुंझला गया, बोला लैला मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत करते, बोला और बताइए कितनी मोहब्बत करते, बोला जल्दी ये भागे हम अपना काम करें, छुटकारा नहीं मिल पा रहा, बोला बताइए कितनी मोहब्बत करते हैं। तो शौहर ने कहा ये देख रही है क्या, बोला हाँ, बोला ये मोबाइल है, बोला हाँ मोबाइल तो है, बोला इसके अंदर में एक सिम है पता है, बोला हाँ सिम है, बोला मोबाइल बगैर सिम के कोई काम का नहीं होता है, और सिम बगैर मोबाइल के कोई काम का नहीं होता, तो ये मोबाइल हम है और सिम तुम हो, माने हम बाहर वाला है तुम अंदर वाली हो, तुम अंदर के इतनी मोहब्बत करते कि तुम अंदर की चीज हो, इतनी मोहब्बत तुमसे एकदम बिल्कुल करेजा भी ज्यादा। अच्छा हाँ, बीवी बहुत खुश हुई, हर दिन के तरह नहीं, आज आज बढ़ चढ़ के नाश्ता है, खाना है, कोरमा है, कबाब है, बना रही। उसकी सहेली आई, बोला आज मुस्कुरा भी रही है और बढ़िया बढ़िया खुशबूदार खाना बना रही, क्या बात है, बोला आज अजीब खुशी मिली है, बोला क्या खुशी मिली है, तो वो कहती है खुशी ये है कि मेरा शोहर मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, बोला कितनी मोहब्बत करता है, बोला उन्होंने कहा है ना कि हम मोबाइल हैं और तुम सिम कार्ड हो, सिम हो, हम मोबाइल हैं तुम सिम हो, देखो कितनी मोहब्बत करता है। तो उसकी सहेली बोली अरे पगली चैनाग मोबाइल में चर चर सिम लगता। ख्याल रख, अब पता नहीं कौन सिम में इनकमिंग और आउट गोइंग है कि नहीं, सिम तो बहुत है, सोच
माँ से मोहब्बत करो, आओ सैयदना हजरत दाऊद अलैहि सलाम की बारगाह में वाज की महफिल सजी है, खिताबत की मजलिस सजी है, नसीहत की मजलिस सजी है, हजरत दाऊद अलैहि सलाम की बारगाह में लोगों का ठट्ठा मारता मजमा था, हजरत सैयदना दाऊद अलैहि सलातु तस्लीम की बारगाह में लोग वाजो नसीहत को सुन रहे हैं, उसी में हजरत दाऊद ने देखा कि एक आने वाला आया है जो कोई इंसान नहीं है, हमारी उम्मती में से नहीं, हमारे गुलामों में से नहीं, हमारे उन चाहने वालों पपीनन अपने दोस्तों साहबियों में से नहीं है, बल्कि आने वाला आया है तो इंसान नहीं बल्कि आसमानी फरिश्ता है। वो हजरत इज़राइल को देख के हजरत दाऊद ने पूछा था, दाऊद ने पूछा था ओ हजरत इज़राइल, ये तो नसीहत की महफिल है, ये हमारी जनता की महफिल है, ये हमारे हमारे साथियों की महफिल है, हमारे चाहने वालों की महफिल है, आखिरकार इस मजमे में तेरे आने का सबब क्या है? तो हजरत इज़राइल ने कहा था कि हुजूर हम आए हैं इसलिए कि इस महफिल में एक नौजवान बैठा है और टाइम हो रहा है इसके रूह निकालने का, और इसके रूह निकालने का टाइम हमको दिया है और जगह भी दिया है, इनके घर में निकालना है, और ये आदमी अभी तक यहीं बैठा है तो जाएगा कब, इसी के इंतजार में हमें। जब मजमा खत्म हुआ वो नौजवान चला अपने घर, नूरी फरिश्ते को तो देख नहीं पा रहा, पीछे पीछे ये मलकुल मौत, आगे आगे वो नौजवान अपना घर पहुंचा। घर पहुंचा उसकी माँ आंख की अंधी, पांव की लंगड़ी, हाथ की लूली, बहुत मजबूर माँ, प्यास सख्त की लगी थी मुसलमानों, माँ ने जो ही पांव की आहट को सुना है, माँ कहती है बेटा आ गया, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। नौजवान घड़े के करीब गया, घड़े के करीब गया, पानी लेके आया और पानी लेकर आया अपनी माँ के करीब, दिया माँ ये पानी पी ले। माँ अभी पानी पीना शुरू की, मलकुल मौत आ चुका है, चंद लम्हा बाकी है नौजवान की रूह निकालने का, इतने में माँ उसकी पानी पीती है और पानी पीने के बाद हाथों को उठा देती है और कहती है ए मौला मैं प्यासी थी, प्यास से हलक सूख रहा था, प्यास से हलक कांटे बन गए थे, मैं इंतजार कर रही थी लेकिन मेरा बेटा आया, मेरी प्यास को बुझा दिया, अपने पानी पीने से पहले मुझे पानी पिलाया, ए मौला जिस बेटे ने मुझे पानी पिलाया है उस बेटे की उम्र को मौला तू लंबी फरमा दे, उस उम्र को लंबी कर दे, उस उम्र को उस बेटे के उम्र को तबील कर दे, अभी इतना कहना था, माँ की दुआ पापे इजाबत से टकराती है, रब फरमाता है ए मलकुल मौत वापिस बुलाता हो, उनकी माँ की दुआ से मैंने उनकी उम्र को बढ़ा दिया है। मुसलमानों यकीनन मुसलमानों, माँ कहती है मौला मेरे इस बेटे ने तेरे इस बंदे ने मुझे पानी पिला दिया, ए मौला मेरे इस बेटे की उम्र में इजाफा फरमा दे। कुछ दिनों के बाद हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने देखा मलकुल मौत से मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद वो नौजवान तो चल फिर रहा था, कई दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, मलकुल मौत से जब मुलाकात हुई हजरत दाऊद ने पूछा है मलकुल मौत उस नौजवान की उम्र तो खत्म हो चुकी थी, आखिर उसकी रूह को तूने निकाला क्यों नहीं, वो आज भी जिंदा उस दिन कह रहा था ये अब मरने वाला है, तो मलकुल मौत ने कहा ओ अल्लाह के नबी सुन लीजिए उसने अपनी माँ को एक गिलास पानी पिलाया और माँ ने उसकी उम्र की बरकत की दुआ कर दी, अल्लाह ने माँ की दुआ अल्लाह ने उस नौजवान की माँ की दुआ को कबूल फरमाया और रब ने उस नौजवान की उम्र में बरकतें अता फरमा दी। कितनी उम्र बढ़ा दी गई ए मलकुलों, बता कि उनकी उम्र कितनी बढ़ा दी गई,
मलकुल मौत ने कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी 30 साल उम्र को बढ़ा दिया है। मुसलमानों, माँ की दुआ की अजमत को समझो। आज हम और आप हैं, माँ कह रही है, कहने के लिए रही पानी दे रे, अरे अरे बाबू रे 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 देखो दादी पानी मांगो दे दियो रे, हम जाए क्रिकेट वा खेल रहे। भाई किया गेंद खेलने चला गया, गेम खेलने में मशहूर है, टीवी बंद नहीं होगा, सीरियल बंद नहीं होगा। माँ हाँ ये पापूजी, पापूजी का तो कोई जवाब नहीं है, का कोई जवाबे नहीं है, सब लड़का लोग ले लेके बैठल है। हाँ पाजी मर 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 मर, फिर थोड़ा कते मारेगा रे, मार ले जितना मारना है, जब कब्र में मराएगा तो पता चलेगा। सोच अपने आप की तैयारी करो। जानते एक रिवायत और बोलो, बस 2-3 मिनट और सुनेंगे। हाँ एक रिवायत और बोलो, हजरते सैयदना अली, हजरते सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जाते ग्रामी है। अली मुर्तजा शेर खुदा मक्के में है, चंद साथी हैं, रात का सन्नाटा है, तारीकी है, सारे लोग चैनो आराम की नींद सो रहे हैं। इतने में हजरत अली रात के सन्नाटे में सुनते हैं किसी की बिलखने की आवाज आ रही, किसी के तड़पने की आवाज आ रही है, किसी के रोने की आवाज आ रही है, किसी के गिड़गिड़ाने की आवाज आ रही। हजरत अली ने कहा अपने साथियों से, देखो कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई कोई तड़प रहा है, कोई रोने की आवाज आ रही है, कोई रोता है, देख वो रोने वाला कौन है। एक शख्स गया और जाकर के देखा तो वो रोने वाला आदमी कैसा था, गौर करो रोने वाला आदमी कैसा था, जिसका हाथ भी नहीं चल रहा था, पांव से मजबूर था, और वो काबे के पास था, और लुढ़क लुढ़क के बदन के बल लुढ़क लुढ़क करके काबे का तवाफ कर रहा था, और रोते जाता था और कहता था मौला मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह हमें माफ कर दे, ए अल्लाह मेरी गलती मेरी खता को माफ कर दे। वो लुढ़क लुढ़क के उलट उलट के काबे का तवाफ कर रहा, क्योंकि पांव चलता नहीं था, हाथ काम करता नहीं था। आखिरकार उन लोगों ने कहा कि ए अली ऐसा शख्स है जिसका हाथ पांव चलता नहीं, वो जमीन पे उलट उलट लुढ़क लुढ़क करके काबे का तवाफ कर रहा है। हजरत अली ने कहा उसे बुला करके ले आओ। ये लोग गए, चल तू रोता क्यों है, तू कौन सी माफी मांगता है, तू बता दे। कहा मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं गुनहगार हूँ, बहुत बड़ा खताकार हूँ, मैं बता नहीं सकता। बोला तुम्हें बताना पड़ेगा, और नहीं तो चलो मेरे अली के पास तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा चला तो जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा कैसे, पैर नहीं चलता है, हाथ नहीं चलता है। बोला कांधे पर उठा करके ले जाऊंगा। वो शख्स सोचा कि अली के पास जाऊंगा और अली के दोस्तों के कांधे पर जाऊंगा, मेरी खुशनसीबी कितनी है। वो शख्स को कांधे पर उठाया है और उठाने के बाद अली के पास लेके गया। हजरत अली से अली ने पूछा, आखिर तुम इस तरह बिलख क्यों रहा था, इस तरीके से रो क्यों रहा था, इस तरीके से तुम गिड़गिड़ा क्यों रहा था, तेरे रोने की वजह क्या है, सबब क्या है। उन्होंने कहा ए अली मैं बताऊंगा नहीं। बोला बता दो। बोला मैं नहीं बता सकता। हजरत अली ने जोर दिया कि बताओ, तो उस शख्स ने कहना शुरू कर दिया कि मैं बाप का इकलौता बेटा था, बात को सुनो, मैं बाप का इकलौता बेटा था, मेरा बाप बहुत बड़ा मालदार था, रईस था, सोने चांदी के अंबार है मेरे घर में ढेर लगे हैं, बाप ने मेरे लिए तिजोरी को खोल रखा था, जितना चाहता नोट पैसे निकालता और ले जा करके मैं उसे खत्म करता, यहाँ तक कि मेरी आदत बिगड़ गई, बुरों की संगत लग गई, शराबियों की संगत लग गई, जुवारियों की संगत लग गई, अब मैं जुआबाजी में करने लगा, जुओं के अड्डे पे जाने लगा, गुनाहों के अड्डे पे जाने लगा, मैंने पैसे को बहुत बर्बाद किया। जब मेरे बाप को पता चला है, मेरे बाप ने मुझसे कहा कि तुम जुआरी हो, जुए के अड्डे पे जाते हो, तुम शराबी हो, शराब के अड्डे पे जाते हो, तुम फला के पास जाते हो, वो गुनाह करने वालों गुनाह के अड्डे पर जाते हो, आज से तेरे लिए तिजोरी लोक है, तेरे लिए कोई पैसे नहीं है। अब उस नौजवान ने कहा, जब मुझे बाप ने डांटा, मैं एक गोशे को पकड़ा, कोने को पकड़ा, बहुत रोया कि मैं बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी है, लेकिन मेरे साथी आते रहे, जुआरी मेरे पास आते रहे मुझे बहकाते रहे, शराबी मेरे पास आते रहे मुझे बहकाते रहे, गुनाहगार मेरे पास बदकिरदार लोग आते रहे, बद अखलाक लोग आते रहे मुझे बहकाते रहे। एक दिन मेरे अंदर का शैतान उभरा है और मैंने कहा अब्बा मेरे बाप उसे वो तिजोरी की चाबी दे दो। बाप ने कहा चाबी नहीं दूंगा। मैंने इसी गुस्से में वो शैतान मेरे ऊपर उभरा और मैंने हाथ
को उठा दिया अपने बाप पे, ए आई मैंने हाथ को उठाया था, मेरे बाप के आंखों में आंसू आ गए, मेरे बाप को चेहरे मेरे बाप का चेहरा मुरझा गया, मेरे बाप पिलखने लगा, मेरे बाप के आंखों से आंसू आने लगे, मेरे बाप ने चंद कपड़े को झोले में सिमेटा है और अपने घर से मेरा बाप निकल चुका है, पता नहीं कहां चला गया, मैं गुनाहों में बोलो फिस रहा, लेकिन मेरा बाप है, मेरा बाप है, मेरे बाप मेरी नजरों से गायब हो चुके, मैं यासी करता रहा, अचानक मेरे हाथ में फालिज लग गई, हाथ काम करना बंद कर दिया, पांव चलना बंद हो गया, मैं जमीन पे अकेला घर में उलट उलट के चलता था, कुछ दिनों के बाद मेरा बाप वापिस आया है, और जब आया है मेरी ये हालत को मेरे अब्बू ने जब देखा है, मेरे बाप की आंखों में आंसू आ गए, बाप ने मेरे करीब जब आने लगा, मैं देखा बाप मुझमें मेहरबान है, मैं लुढ़कता बाप के करीब गया, मेरे बाप ने अपने हाथों से मेरे इस यकीनन बेकाबू जिस्म को उठाया है, सीने से लगाया है, मेरा अब्बा रो रहा है, मेरे बाप रो रहा है, और मेरे बाप का मेरे अब्बू कहते हैं, बेटा तुझे तकलीफ क्या है, मैंने कहा पांव काम करता नहीं, हाथ काम करता नहीं, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे अब्बू मुझे माफ कर दीजिए, बाप ने कहा था, ए अली सुनिए, मेरे बाप ने कहा, ए मेरे बेटे, मैंने जो दुआएं की है, जो तेरे हाथ जो शल हुए हैं, पांव में फालिज लगी है, मैंने तेरे लिए बद्दुआएं जरूर की है, लेकिन कहीं और जाकर के नहीं, काबे के खिलाफ पकड़ के मैंने दुआएं की है, चल तुझे काबे के खिलाफ पकड़ करके आज तेरे लिए दुआएं करूंगा, कल तेरे लिए बद्दुआएं की थी, आज मैं तुझसे राजी हूं, बाप ने कहा बेटे चल, बेटे ने कहा अब्बू कैसे जाऊंगा, एक खच्चर को लाया, उस पे अपने बेटे को सवार किया, खुद भी सवार हुआ और चला है, कुछ ही दूर अभी चला, वो नौजवान कहता है, ए अली अचानक मेरे मेरे खच्चर के पांव में ठोकर लगी, मेरा बाप इधर गिरा, मैं इधर को गिरा, थोड़ी देर में जब मैं लुढ़क लुढ़क के बाप के करीब गया, तो मैंने देखा मेरे बाप की रूह कब्ज से उनसरी से परवाज कर गई, मुसाफिर आते गए, जनाजे की नमाज पढ़ के दफन कर दिए, और तब से मैं इसी तरह लुढ़क लुढ़क के काबे के पास आया हूँ, और एक दो साल नहीं, आज 12 साल से इसी तरह दुआएं मांग रहा हूँ, लेकिन अल्लाह मेहरबान मुझ पे नहीं, या तो खुदा मेरी दुआओं को कबूल करता नहीं, हजरत अली ने कहा चल उसी काबे के पास चलता हूँ, अली गए, अली के आंखों में आंसू है, ए मौला काबे का गिलाफ पकड़ करके अली ने कहा, ए मौला इसका बाप राजी था, मौला तू भी राजी हो जा, इसका बाप इससे खुश था, मौला तू भी खुश हो जा, मौला इस मेरी अली की दुआ, मेरी सुबान की दुआ तू कबूल फरमा ले, और इस नौजवान की मगफरत फरमा, इस नौजवान की सेहत और सलामती अता फरमा, इतना कहना था कि उस नौजवान की जिस्म में ताकत आ गई, अली ने फरमाया ए लोगों अगर माँ बाप तुझसे नाराज है तो कभी खुदा खुश नहीं हो सकता, अगर अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना चाहते हो तो पहले अपने माँ बाप को राजी करो, माँ बाप राजी है अल्लाह और रसूल राजी होता है, ले मेरे मुसलमानों हमें और आपको चाहिए कि अपने माँ बाप को खुश रखें, नमाज की पाबंदी करें, मरना सभी को हो।